Hey guys, right now, अभी मैं हूँ फिलहाल अटल टनल से थोड़ा सा आगे ही 4-5 किलोमीटर निकलते ही आपको रास्ते में दिख जाता है एक के किचन जो कि सिसु से भी 2 किलोमीटर पीछे है, 2-3 किलोमीटर। तो यहाँ पर भाई एक नंबर का खाना मिलता है, बहुत प्यारा खाना मिलता है और कैंपिंग के लिए भी इन्होंने अलाउ कर दिया था बड़े प्यार से, कोई इन्होंने रोका टोकी नहीं करी। लद्दाख तो करेंगे पूरा ठीक है, लद्दाख पूरा करे बिना नहीं आएंगे। अभी हमारा फोकस है लेह के बाद पेंगोंग के बाद जांस्कर वगैरह, अगर पीछे टाइम मिला। या फिर एक दूसरी चीज़ है, दुर्गेश मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो उसका यहाँ पे भी हेडेक वगैरह फील हुआ था उसको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैंपिंग लगाना और रुकना एक दिन के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि अगर उसको आज ही मैं सिसु पहुँचा देता या फिर सरचू तक पहुँचा देता तो पॉसिबिलिटीज़ पूरी थी कि उसकी तबीयत ख़राब होती। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ तो ना पता है क्या, अभी मैं ऊपर चला जाऊँगा उधर हवा नहीं लगेगी, लेकिन इस नदी की वजह से लग रही है हवा। यहाँ पे ये बहाव इतना तेज है, इसका बहुत तगड़ा तेज है और सांस बहुत तगड़े चढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी काम वगैरह ज़्यादा करने पे ब्रीदिंग की दिक्कत आती है। एक बारी मैं अपना हेलमेट खोल लेता हूँ ताकि सांस आ जाए। अब सही है, हाँ बैठ जा, जा सही है जगह बता, जगह आ गई ना मजा, सही है चल। तो भाई अब की बार पैकिंग हमने थोड़ा सा बहुत टफ तरीके से करी है कि थोड़ी सी कंजप्टेड एरिया भी बन जाए, क्योंकि जीटी पे देखो टूरिंग हो नहीं सकता। टूरिंग करते भी हैं लोग काफ़ी, लेकिन सिंगल करते हैं मैक्सिमम, मिनिमम ही लोग होंगे जो डबल करके टूरिंग करते होंगे। और ये हम निकल चुके हैं, हम रुके हुए थे यहाँ पे एक एक किचन, और यहाँ पे नदी का ना बहुत प्यारा फ्लो था और यहाँ पे चालान वगैरह भी कटते थे। वैसे अगर कोई नदी के किनारे चला जाता है ना तो अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे चालान काट देते हैं 5-6 हज़ार रुपये का। सो ये गाइस राइट नाउ हम रुके हैं रास्ते में और टांडी एक विलेज है, विलेज जहाँ पे पेट्रोल पम्प अवेलेबल है, पेट्रोल मिल जाएगा जहाँ पे, तो वो हमसे तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन यार व्यू देखो एक बार, इस व्यू के लिए रुक गए हम, क्या पहाड़, इन बादलों की फैक्ट्री है, है ना। सो गाइस बात करें जीटी की, तो जीटी चल रही है बहुत बिंदास, अभी तक 1% भी दिक्कत का अंदाज़ा या फिर दिक्कत का कोई भी अंदेशा इसने नहीं दिया है। तो जो इंजन की चेक लाइट थी वो गायब हो गई है, वो पानी में भीगने के बाद आती है यार, पता नहीं क्यों, मतलब जब भी बारिश आ जाती है ना, जब भी बारिश स्टार्ट होती है तभी आनी स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस अभी पहुँचे हैं हम टांडी विलेज और ये टांडी का पेट्रोल पंप है। भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है फिलहाल, हद से ज़्यादा, और आर्मी यहाँ पे ऑपरेट करती है चीज़ों को, तो देखो किस तरीके से सब के सब मेहनत में लगे हुए हैं। और पेट्रोल पंप पे यार कोई है ही नहीं पेट्रोल डालने के लिए बंदा, ये भाई भी वेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप वाले का। तो कितना है यहाँ पे पेट्रोल पंप, पेट्रोल है 99 रुपये, सही है 99 रुपये, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आगे को क्या पड़ता है, किलोंग किलोंग में है? किलोंग केड़ा जड़ा आंदा किलोंग में ही ना, वो तो दो पेट्रोल पंप पे इकट्ठे नहीं, एक को ही पंप होते किलोंग ही है फिर। वो कितने किलोमीटर है ना, ये तरह भाई 10 किलोमीटर 10, ठीक है कोई नहीं, देखते आगे देखते हैं। सो गाइस भाई बता रहा है कि आगे 10 किलोमीटर आगे कोई पेट्रोल पंप है, होइए चले आदा। और ये आते हैं सस्ते सस्ते,
दोस्तों फिलहाल केलोंग से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे निकले थे कि हमारी कैंस लीक होने लग गई थी, ये पेट्रोल यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इनका थोड़ा सा जुगाड़ बांधा, इसमें पन्नियाँ लगाई हैं पॉलीथिन्स इनको टाइट करने के लिए। और अभी फ़िलहाल हम रुके हुए हैं यहाँ पे एक कैंप साइट है, थोड़ा ग्रिफ का एक कैंप है, तो वहाँ पे रुके हुए हैं फिलहाल। अभी सीधा आगे निकलेंगे और अभी खा पी के, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। चॉकलेट का टाइम, चॉकलेट खाने का, और हम रुके हैं यहाँ पे फिलहाल एक बहुत प्यारी लेक के पास, और दिखाऊंगा आपको लेक लद्दाख की ना यही खूबसूरती है, एक बार देखो यार, आए हाय, वहाँ सो जाऊँ जाके, वहाँ एक तो वहाँ पे सोऊंगा स्वाद आ जाए, और एक इसमें हाउस बोट हो ना तो मज़ा ही अलग है, एक नंबर नींद आएगी यहाँ पे। हे गाइस, राइट नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम पहुँचे हैं सूरजताल, बहुत खूबसूरत एरिया है यहाँ पे सूरजताल का भी। सिंह सिंह बार से आगे थोड़ा सा और बारालाचा से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पीछे हैं और हम पहुंचेंगे, हमारा पहला स्टॉप होगा सरचू। सरचू में ही आप लोगों से बातचीत हो पाएगी, फिलहाल ये पता नहीं कितनी देर में बनेगा। अभी यहाँ से निकलने के बाद फिर हम पहुंचेंगे वहाँ पे लद्दाख, और लद्दाख से होते हुए फिर सीधा खड़दुंगा। Hey guys, अभी सरचू से थोड़ा सा पीछे ही रुके हुए हैं, टैंग पी रहे हैं यार। बाकी जीटी का अगर रिव्यू दें भाई, पूरा साथ दे रही है, ऑफ रोडिंग के मामले में लगा लो या फिर इसके, हाँ एक नुकसान हो गया पीछे जो ये मैंने टांग रखा ना पेट्रोल जेरिकन, तो इससे मेरी रेड लाइट जो पीछे की होती है वो टूट चुकी है, तो वो एक नुकसान हुआ भाई। बाकी जीटी ने पूरा साथ दिया, इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाई पे भी, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी, पहला गियर हो, दूसरा गियर हो, तीसरा गियर हो, पांचवा गियर हो,
आराम से पुट-पुट करती हुई चढ़ जाती है। मजा आ रहा है इसके साउंड में, एक नंबर का। दोस्तों फिलहाल तमिलनाडु से हमारे कुछ छोटे बच्चे ये और हमारे भाई ब्रदर ये मनाली से लेह कर रहे हैं और ऑन साइकिल, और ये इनका वन वीक का था। ओके, मनाली से लेह। ओके, और सभी मतलब आप फैमिली हैं? ओके, साइकिलिंग एकेडमी। ओके, तो इट्स लाइक अ कंपटीशन और एनीथिंग? नो, वी आर गोइंग टू सेट अ रिकॉर्ड। और सेट मीन नॉट फास्ट, जस्ट वी आर गोइंग टू रीच लेक। ओके ओके, फास्ट रिकॉर्ड वी विल गो। तो गाइस, रिकॉर्ड एक बनाना बहुत अहम चीज होती है, एक लाइफ में अचीवमेंट लेना, तो वो इनसे मैं सीखना चाहूंगा। और छोटे-छोटे बच्चे यार, हरियाणा इंग्लिश ओनली, हरियाणा में छोटे बच्चे घबराते हैं बहुत ज्यादा। तो हाउ यू फील गाइस? एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन लेवल डाउन? नो ऑक्सीजन प्रॉब्लम? नो? ओके 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 ओके, गुड लक गाइस, गुड लक, गुड लक, गुड लक। मदर टंग में तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि मनाली से ले जो भी इनका टाइम है एक हफ्ता, तो एक हफ्ते में ये पहुँचे और भगवान इनकी यात्रा को सफल करे और कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गुड लक गाइस, बाय बाय। या गाइस, अभी राइट नाउ सरचू में हैं और यहाँ रुके हैं भाई, अभी स्टे करेंगे क्योंकि सिर में दर्द हो चुका बहुत ज़बरदस्त, और ये लगाओ कि हाइट का भी असर पड़ेगा और भी। तो यहाँ पे तुर्केश भाई है और मेरे लिए भी सही रहेगा यहाँ पे रुकना, क्योंकि अगर रेगुलर राइड करेंगे ना यार, तो था एक प्लान था कि हम तांगलांगला क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद पांग, या फिर मतलब जो भी आगे पड़ेगा, पांग पड़ेगा फिर तांगलांगला, या फिर उसके अलावा कोई भी हाइट पड़ेगी तो उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन उस हाइट को क्रॉस करने में यार दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो अभी सिर में दर्द हो गया, तो एक यार एक्मेलेटाइज हो जाते हैं थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ सोएंगे, टेंट लगाएंगे मस्त वाला, और सरचू में फिलहाल हम, और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखा मुझे, कहाँ गया वो? ए छोटा बच्चा जिद्दी है ना? तो यहाँ के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं भाई। मानू मेरा लड़का है बड़े वाला मानिक, तो वो भी इतना जिद्दी नहीं है जितना जिद्दी यहाँ के बच्चे होते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिलहाल खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। हे गाइस, अभी फिलहाल हम रुके हुए हैं सरचू में और अपडेट बहुत भयानक है, थोड़ा सा भयानक भी नहीं कह सकते, लेकिन कंट्रोल में है फिलहाल, मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम आगे की राइड अब कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, मेरे साथ दुर्गेश भाई आया हुआ था, तो दुर्गेश ने कभी भी इतनी हाइट पे राइड नहीं किया हुआ, तो दोनों ने मिलके अभी जैसे कंडीशन देखी है ना, हेडेक वगैरह, मुझे भी हेडेक है लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा बहुत सहन करने लायक है। दूसरी चीज़, दुर्गेश को बुखार भी है साथ के साथ हेडेक भी है, और इंटरनल मतलब कमज़ोरी होती है जो वो फील हो रही है, तो हाइट का पूरा असर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ के एटमोसफेयर का, ठीक है। तो फिलहाल ये राइड हम कैंसिल कर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे, कल हम सीधा मनाली की तरफ रूट करेंगे, सरचू से सीधा मनाली की तरफ। और ये इमरजेंसी ये लगाओ कि होप आप किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आपके साथ होती है तो इसकी प्रिकॉशंस कुछ भी बहुत मुश्किल है, मतलब इस हाइट पे अगर सरवाइव करना है तो या तो आप नेचुरली कर पाओगे, लेकिन दवाइयों के सहारे आप नहीं कर पाओगे। अगर आप पेन किलर्स भी लेते हैं तो वो भी काम नहीं करती यहाँ पे, बहुत कम काम करती हैं, बहुत कम। और चलो मान लिया आप सरचू में यहाँ पे पेन किलर ले लोगे, तो आगे तांगलांगला इससे भी ऊंची हाइट का है, यहाँ पे फिलहाल हम 12,000 कुछ फीट पे हैं, तांगलांगला 16,000 कुछ 17,000 कुछ हाइट का है, और उससे आगे खड़दुंगला तो 20,000 हाइट पे है। तो गाइज, इतनी हाइट को अभी फिलहाल मैं ड्रॉप करना चाहूँगा, ये राइड फिर कभी होगी लेकिन कम्प्लीट ज़रूर होगी,
अभी फिलहाल कल निकलेंगे हम मनाली की तरफ, और बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय।